नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहली बार अपने तलाक पर बोले हैं। आप सभी जानते हैं पिछले काफी समय से जो है उनके और उनकी बीवी के बीच में काफी विवाद चल रहे हैं और अभी तक नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अब चुप्पी साधी हुई थी। कई जो है उनकी फिल्में आई, इंटरव्यूज हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ पर कभी भी कोई बात नहीं की। लेकिन अब जो है एक लीडिंग पोर्टल से बात करते हुए उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ पर बयान दिया है। उनके भाई पर जो है यौन शोषण का आरोप भी लगा। उनकी पत्नी ने जो है आलिया ने बहुत सारे ऐसे खुलासे किए जिसके बाद जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के परिवार पर कई ज़्यादा जो है सवाल उठे, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन सभी चीज़ों पर चुप रहे। लेकिन अब जो है उन्होंने एक जब पोर्टल से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी पर्सनल बात जिंदगी पर क्या बताऊँ, उस पर मैं इतनी बातें कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं बस इतना कहूँगा कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये सारी बातें करना मुझे पसंद नहीं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपने बच्चों के प्रति अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा पाऊँ। और आगे कहते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां निभा पाऊंगा। मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ और ये जो संदेश है मैं बस अपनी बेटी तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से नवाज ने हालांकि अपनी जिंदगी पर, अपनी पर्सनल लाइफ पर किसी भी तरह का बयान देने से मना किया, लेकिन साथ में ये ज़रूर कहा कि मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां निभाना चाहता हूं और मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूं। मैं आपको बता दूं कि आलिया की तरफ से नवाज पर बहुत सारे जो है आरोप लगाए गए हैं। वहीं नवाज ने तमाम आरोपों को बकवास करार दिया। उन्होंने इसे ड्रामा बताया कि ये सारा ड्रामा चल रहा है। ऐसे में तलाक से पहले ही नवाजुद्दीन और आलिया का रिश्ता बहुत खराब हो चुका है और अब इस विवाद पर सिर्फ दोनों तरफ से कानूनी जंग देखने को मिल रही है। तो नवाज ने पहली बार अपनी पर्सनल लाइफ पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि ये सारा ड्रामा है, लेकिन मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारियां निभाऊंगा और मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ। सिर्फ इस तरह का जो है एक बयान उन्होंने दिया है।